सो हेलो एवरीवन, आई थिंक आप लोग सब अच्छे होंगे। ये कोई व्लॉग नहीं है, तो मैं पहले ही बता दूँ, दिस इज़ जस्ट एन अपडेट दैट वेयर आर वी स्टैंडिंग नाउ। मैं इतना डर इसलिए ज़्यादा, मतलब यू कैन से बिहेव कर रहा हूँ, दैट्स बिकॉज ऑफ अ वाइटल रीज़न। सो अभी पिछले कुछ दिनों में आपको पता ही है दैट शोमिता इज प्रेग्नेंट, बट देर वॉज अ मैंडेटरी कोविड टेस्ट जो उसको डिलीवरी के पहले लेना ही था, एंड उसने वो लिया एंड शी गॉट अ पॉजिटिव रिजल्ट। तो उसके बाद फिर हमने भी अपना रिजल्ट करवाया एंड वी ऑल आर पॉजिटिव। सो अभी मतलब अभी ससुराल में ऐसा सीन है कि एवरीबडी इज आइसोलेटेड टू ईच अदर। एज सच कुछ मतलब सबको सिम्टम्स नहीं है, बट आई थिंक थोड़ा सीरियस मैटर मतलब मेरे लिए पर्सनली बहुत ज़्यादा है। आप समझ ही सकते हो, अभी ये टाइम ऐसा है कि ना मेरे को व्लॉग करने का मन कर रहा है, ना मेरे को ऑफिस का काम करने का मन कर रहा है। आई एम टोटली स्ट्रेस्ड। मतलब अभी मेरे को नहीं समझ में आ रहा कि मैं क्या करूँ। मतलब डॉक्टर से मैंने कंसल्ट किया है, तो डॉक्टर्स ने वही विटामिन ई विटामिन सी की दवाइयाँ दी हैं सबको, शोमिता को भी, एंड आई डोंट नो हाउ टू डील विद दिस सिचुएशन। बट अभी मतलब आई डोंट नो हाउ टू से दिस, हाउ टू पुट दिस। अब आई एम जस्ट स्पीचलेस। सो आई वुड जस्ट टेल यू गाइज दैट प्लीज 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 डू प्रे फॉर अस दैट सब कुछ ठीक हो जाए एंड यू नो वी कम बैक टू द नॉर्मल लाइफ। मुझे नहीं पता कि दैट यू नो कोविड का मतलब प्रेग्नेंट वुमेन पे मतलब यू नो कैसा रिएक्शन होता है। भगवान करे कुछ ना हो, आई एम जस्ट प्रेइंग टू गॉड कि सब कुछ ठीक ठाक से हो जाए। डॉक्टर्स ने बोला है कि दैट अभी अराउंड 14 डेज बाद दोबारा से टेस्ट करवाना है, बट द थिंग इज दैट कि एग्जैक्टली 14 डेज में ही शोमिता की डिलीवरी एक्सपेक्टेड है। सो आई डोंट नो कि मतलब उससे पहले अगर हो जाता है सो आई शुड हैव अ सेकेंड ऑप्शन कि मतलब जहाँ पे कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स को ट्रीट किया जा सके फॉर प्रेगनेंसी। सो आई एम सर्चिंग फॉर दैट हेयर इन कोलकाता इटसेल्फ। थोड़ा थोड़ा बहुत नहीं, मतलब बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है दूसरे हॉस्पिटल्स। सो अभी सारे वो फंड्स भी मैं सोच रहा हूँ कि मतलब कैसे मैनेज करूँगा, बट समहाउ आई थिंक अभी बहुत स्ट्रेसफुल सिचुएशन है, तो इस वजह से अभी मेरा व्लॉग बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं है। सो आई थिंक प्लीज़ 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 मैं सबसे विनती करूँगा कि थोड़े व्लॉग्स थोड़े लेट आएंगे, तो प्लीज़ बेयर विद अस। आई नो कि मतलब प्रॉब्लम शेयर कर रहा हूँ, बट आई एम जस्ट सेइंग टू एवरीबडी ऑल। पता नहीं अभी मैं उल्टा फुल्टा मतलब कुछ भी इंग्लिश बोल रहा हूँ, अभी बहुत स्ट्रेस है। सो आई एम जस्ट प्रेइंग कि ये दैट कि मतलब अभी हम जैसे कोविड पॉजिटिव हो चुके हैं बट वी डू नॉट हैव एनी सिम्टम्स, ना ही सर्दी जुकाम खांसी वगैरह, घर में किसी को कुछ नहीं है। बट अभी नेक्स्ट एक हफ्ता हम सब आइसोलेशन में रहने वाले हैं एंड वी आर गोइंग टू प्रे कि हम सब जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए एंड नेगेटिव रिपोर्ट आए, सो दैट कि फाइनेंशियल बर्डन भी ना पड़े और यू नो हेल्थ वाइज बर्डन भी शोमिता के ऊपर ज़्यादा ना पड़े। अभी वो दूसरे रूम में है, शी इज़ आइसोलेटेड देयर। तो इट्स अ वेरी बैड सिचुएशन टू बी इन, बट आई एम करेंटली एम सो आई एम जस्ट प्रेइंग। आई डोंट हैव एनीथिंग एल्स टू डू, आई एम जस्ट प्रेइंग। सो टू ऑल यू व्यूअर्स, प्लीज टेक केयर। अगेन मैं दोबारा से बोल रहा हूँ, बी सेफ, अपना ध्यान रखना एंड अपने आसपास के लोगों का ध्यान रखना। जस्ट जस्ट बी सेफ, जस्ट बी सेफ।